सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दें इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको थोड़ा बहुत शॉक भी लग सकता है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है, आपके दिमाग को पढ़ सकती है और ये बता सकती है कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट हम इस चीज़ को लाइव करके देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां पे जाके आप सर्च करोगे माइंड रीडर। जब आप माइंड रीडर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, लेकिन आपने इस आइकन को ज़हन में रखना है जो कि फर्स्ट नंबर पे आपको शो हो रहा है, मैजिकल माइंड रीडर। आपने इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मेरे मोबाइल पर यह एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या कमाल है। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का आइकन देखने को मिलेगा। आपने इस आइकन पर टैप करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैजिक माइंड रीडर फर्स्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने जस्ट स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहीं से इस एप्लीकेशन का जो असल कमाल है वो शुरू होता है। इस नई विंडो पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, कुछ हिदायत मिलेंगी, तो आपने इन हिदायत को पूरी तवज्जो से पढ़ना है और इनको समझना है। साथ में आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगी ताकि आपको इनको समझने में आसानी हो, तो सो आप इस एग्जाम्पल की मदद से इंस्ट्रक्शन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि चूज एनी टू डिजिट नंबर, यानी आपने कोई भी दो हिंसों वाला नंबर सेलेक्ट करना है। आप अपने माइंड में कोई भी रेंडमली जो आपका दिल करे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो या किसी पेपर पे भी लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम कोई भी टू डिजिट नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 13 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें वो कहता है कि ऐड बोथ डिजिट्स टुगेदर, तो जो भी आपने टू डिजिट्स का नंबर सोचा था उसके जो दोनों डिजिट्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो हमने 13 सोचा था, 13 में हमारे पास एक 1 है और एक 3 है, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो थर्ड स्टेप है कहता है कि सब्ट्रैक्ट दी टोटल फ्रॉम दी ओरिजिनल नंबर, तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से आपने उस टोटल को माइनस करना है। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 13, हमारे पास उनको ऐड करने से आंसर जो आया था वो 4 था, तो 13 में से हमने 4 को माइनस करना है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने उस फाइनल आंसर को याद रखना है, जहन में रखना है और यहाँ से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की सिंबल्स देखने को मिलेंगी और उनके साथ ही आपको कुछ डिजिट्स देखने को मिलेंगे। तो उस सारे प्रोसेस के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आया था यहाँ पे आपने वो ढूंढ लेना है। हमारे पास फाइनल आंसर 9 आया था, तो यहाँ पे हम 9 को ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास ये 9 आ रहा है और उसके बाद आपको उस फाइनल आंसर के सामने जो सिंबल आ रही है उसको याद कर लेना है। तो हमारे पास 9 है, 9 के सामने आपको उल्टा एम किस्म की दो शेप से एक सिंबल आपको मिलेगी, तो यहाँ से हम इस सिंबल को जहन में रख लेते हैं। आपने उस सिंबल को अपने जहन में बिठा लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक जो मैजिक क्रिस्टल बॉल है वो शो होगी। आपने इस मैजिक क्रिस्टल बॉल पे फोकस करना है, इसके बिल्कुल सेंटर पे देखना है और उस सिंबल को अपने जहन में रखना है जो आपके सामने आई थी। तो हमारे पास 9 फाइनल आंसर था, उसके सामने उल्टा एम टाइप की एक सिंबल थी, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इस बॉल के सेंटर टैप करना है। तो जैसे ही आप इस बॉल के सेंटर पे टैप करोगे तो जो भी आपने डिजिट सोचा था उसके सामने जो भी सिंबल आई थी वो आपको इस मैजिक बॉल पे देखने के मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, हो सकता है आपको इस पे फर्स्ट टाइम यकीन ना आए तो आप इसको बार बार ट्राई कर सकते हैं। आपको वही सिंबल इस मैजिक बॉल में देखने को मिलेगी जो उस वक्त आपने जहन में सोच रखी है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग किस्म की एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप किसी को भी बहुत ईजीली प्रेस कर सकते हो। इस वीडियो के एंड पे आप तमाम दोस्तों के लिए एक छोटा सा टास्क है, आपने इस एप्लीकेशन की वर्किंग को समझना है, उस लॉजिक को समझना है जिस पे ये एप्लीकेशन काम करती है। आखिर क्यों हर दफ़ा इस मैजिक क्रिस्टल बॉल पे वही सिंबल ड्रॉ होती है जो आपने अपने माइंड में सोच रखी है। तो इस एप्लीकेशन की वर्किंग को आपने समझना है और अगर आपको समझ आ जाती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर कितने लोग ज़हीन हैं और कितने लोगों को इस एप्लीकेशन की वर्किंग समझ आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज की ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको फौरन लाइक कर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।